उस क्षेत्र की बात बैठिए बैठिए जिसकी मैं प्रतिनिधि हूँ, जहाँ पर बैठिए 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 प्लीज बैठिए, दलित प्लीज मांग कर रहे थे विद्यालय की। 1982 में किसानों ने 4 बीघा 2 बिस्वा जमीन इंटर कॉलेज के लिए दी और अमेठी में धोखे से किसानों की ये जमीन हड़पने वाले फाउंडेशन का नाम गांधी खानदान है। 2019 में 2016 में राहुल जी दौरे में गए तिलोई, वहां पर लोगों ने कहा 200 छात्रों ने सुनिए कि जमीन वापस कर दो हमारे लिए कॉलेज की व्यवस्था करो। इन्होंने अपने अलायंस पार्टनर के साथ उन छात्रों को जेल भगा दिया, 17 में जेल भगाया। सेठा गौरीगंज में प्रमाण है, आ जाओ गौरीगंज, दूध का दूध पानी का पानी यही कर दूंगी। गौरीगंज सेठा रोड पर जमीन हब जाली, भूसियावा मार्ग पर नरसिंह भानपुर पर मुंशीगंज में जमीन हत्याली, ये उनका संस्कार है। जमीन कौन कौन हड़पता है ये कांग्रेस की गाथा स्पष्ट है। जहां ये है वहां पर आज मैं अभिनंदन देती हूँ रेल मंत्री का कि रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में भी 10,000 कोचेस तब बनी जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। पीड़ा हो रही है जी। मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि आज जो किसानों का दम भरते हैं, बालियान साहब शायद यहाँ नहीं है, मैं अमेठी के किसानों की ओर से विशेष बालियान साहब आपको नतमस्तक होकर आभार व्यक्त करती हूँ। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार अमेठी में खाद की रैक उतरी जब मोदी आए। इन्होंने न खाद दी, गौरीगंज में किसानों पर लाठीचार्ज करते थे, राजनाथ जी इसके साक्षी हैं। इन्होंने 80% लोगों के पास अमेठी में, जहां 5 दशक इन्होंने राज किया, 80% लोगों को शौचालय नहीं दिया, 60% लोगों के घर में बिजली नहीं दी। और ये आज लोकतंत्र की बात करते हैं, अपनी प्रतिभा की बात करते हैं। आज मैं आभार व्यक्त करती हूँ, अमेठी का पहला सैनिक स्कूल मोदी जी ने दिया, 7.5 लाख लोगों को मुफ्त अनाज मोदी जी दे रहे हैं, अमेठी का आज पहला मेडिकल कॉलेज जिसके नाम से इस खानदान ने जमीन हड़प ली थी वो नरेंद्र मोदी ने दिलवाई। आज मैं इतना कहना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, जो अभी है नहीं, जो 50 साल की उम्र के बाद देश देखने निकले थे, वो देश के किस कोने में वर्तमान में है मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर एक सेकंड, एक मिनट। और आपने एक फिलोसोफर आपने मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रस्ताव लाया, मंत्रिमंडल उस संबंध में बोलेगा, उनको बोलने का अधिकार है। प्लीज आप बैठ जाइए। मणिपुर पर चर्चा आपने नहीं मांगी है, कोई विषय है उस पर चर्चा हो रही है, उसका उत्तर भी आएगा, परंतु नो, प्लीज सिट डाउन। बट व्हाट सर ऑफ द एनिमी हु स्पीक्स स्लाइली, व्हाट ऑफ दैट एनिमी। आज जिनके पास ना नीति थी, ना नियत थी, ना देश के प्रति निष्ठा थी, आज ना जो कभी हिंदू के हुए जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया, ना सिखों के साथ जिन्होंने इंसाफ किया, जो ना कभी महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित थे, ना नौजवान के सशक्तिकरण के लिए समर्पित थे, ना किसान के बलिदान को स्वीकार कर किसान की समृद्धि के लिए समर्पित थे, आज उनसे कहना चाहती हूँ कि जो समर्पित है, जो सबके विश्वास के साथ सबका विकास कर रहा है, उस पर देश को पुनः विश्वास दिखाएंगे, 24 में पुनः मोदी सरकार बनाएंगे। इस अविश्वास प्रस्ताव का मैं निषेध करती हूँ और भारत माँ का जयकारा लगाते हुए जो भारत माँ की हत्या की बात कर रहे थे महोदय, उनसे कहना चाहती हूँ, अंग्रेज आए चले गए, मुगलिया सल्तनत आई खत्म हो गई, हिंदुस्तान आज भी है और आगे भी रहेगा, और हिंदुस्तान इस देश की तिजोरी की चाबी वापस उनकी माताजी के हाथ में नहीं देगा। श्री मिथुन रेड्डी जी, सर, प्लीज नाउ सिट डाउन।